वेलकम टू गोल्ड विंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाजीज बाट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। देखिए, ऐसा बात नहीं है कि आप बात खरीद ले आए मार्केट से और काली अंडा बच्चा कर दिया, ऐसा बात नहीं है। आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आप एडल्ट बाट मत खरीदिए, एडल्ट बाट खरीदेंगे तो आपके पास अगर एडल्ट बाट होगा तो क्या आप सेल करेंगे? वो बाट अंडे बच्चा कर रहा है तो आप क्या सेल करेंगे उसको? नहीं ना, तभी सेल करेंगे जब उसका कोई प्रॉब्लम होगा, तभी सेल करेंगे। तो आपको अगर बाट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आप चिक्स खरीदिए और उसको 2 या 3 महीना रखिए। जब वो एडल्ट हो जाएगा तब उसको हांडी मटकी जो देना है दीजिए, तो वो आपके पास ज़्यादा अच्छा बीज करेगा। जैसे देखिए, ये बात ये सब चिक्स है, मैंने मार्केट से खरीद के लेके आया, सब चिक्स है, ठीक है ना। तो चिक्स बाद खरीदने से क्या होता है, ये जब एडल्ट होगा ना तो ये आपके पास ही बीज करेगा, तो इसका कोई मसला नहीं होगा। अगर आप पहले ही बड़ा बाट खरीद के ले आए तो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, ठीक से अंडे बच्चे नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप अगर सक्सेसफुल ब्रीडर बनना चाहते हैं, तो एज ए बिजनेस इसको लेना चाहते हैं ना, तो पहले आप मार्केट से चिक्स आप पत्थे जो 1 महीने या डेढ़ महीने का चिक्स होता है ना, उसको खरीद के लेके आए। फिर उसके बाद जो है आप उसको 1.5 या 2 महीने तक अपने पास रखिए, कैल्शियम विटामिन और जो चाहिए उसको दीजिए। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा, ब्रीडिंग पे आ जाएगा, फिर आप उसको बेच लीजिए। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस सही रहेगा। ये बजरी के लिए भी है और फिंच के लिए भी ऐसा ही है। देखिए, ये जो फिंच है ना, ये सब बच्चा है, सब ठीक से। देखिए, ठोंठ काला काला ठोंठ है, सब ठीक से। और मैं इसको 1 या 2 या 3 महीने इसको मैं रखूँगा। अब जो ये एडल्ट हो जाएगा ना, तब इसके मैं बेच पे लेके आऊँगा। तो आप भी ऐसा करिए, अगर आप सक्सेसफुल ब्रीडर बनना चाहते हैं तो एडल्ट पेयर मत खरीदिए, पहले आप चिक्स खरीदिए, उसके बाद उसको 2 या 2.5 महीने तक रखिए, फिर आप उस पर ब्रीड लीजिए। तो यही है ना बात। तो थैंक यू वेरी मच।